पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2 मई को आशियाना स्थित दिव्यलोक आश्रम में विश्व जागृति मिशन के संस्थापक परम पूज्य सदगुरु सुधांशु जी महाराज का 69वां जन्मदिन उल्लास पर्व के रूप में मनाया गया। सदगुरुदेव सुधांशु जी महाराज के दीर्घायु के लिए ओम नमः शिवाय का प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक 5 घंटे का अनवरत जाप किया गया। इसके बाद जाप प्रारंभ पूनम गुलाटी एवं कार्यक्रम प्रधान राजीव गुलाटी एवं संजीव संगीता वर्मा द्वारा और मधु चौधरी द्वारा विधिवत पूजन करके किया गया। दीर्घायु हेतु यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसके मुख्य यजमान BS गौड़ और राम रतन रहे। 11 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे निधि मदान और बच्चों द्वारा किया गया। इसके बाद भजन कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ, जिसमें पूनम गुलाटी और उनकी सहयोगियों संगीता वर्मा, सुनीता छावड़ा, अंजू, किरण शर्मा द्वारा भजनों की सुंदर प्रस्तुति की गयी। गुरुदेव सुधांशु जी महाराज जी के द्वारा फोन के माध्यम से उपस्थित सभी संगत को आशीर्वाद दिया गया। गुरुदेव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया गया। आचार्य अजय कांत मिश्रा द्वारा गुरु की महिमा, गुरु के महत्व पर चर्चा की गई। उत्साह पर्व पर गुरुवर के आदेश अनुसार पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम प्रधान राजीव गुलाटी द्वारा किया गया। महामंत्री परवीन अग्रवाल द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में भक्तगण उपस्थित रहे। और आज बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अपने गुरु के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को यहाँ प्रदर्शित करना है। हमें पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, प्रेम अपने गुरु के प्रति प्रदर्शित करना है। एक छोटी सी दो लाइन की कहानी मैं आपको एक विश्वास के संबंध में जरूर बताना चाहूँगा। आज एक नगर में बिल्कुल अकाल पड़ गया और वहाँ वर्षा की संभावना खत्म हो गई। वहाँ के लोगों ने सबने मिलकर तय किया, आज हम अपने गुरु के चरण में जाएंगे और वहाँ बरसाती हम आनंदा करेंगे और हमें जरूर उनका ऐसा विश्वास था कि जरूर बारिश होगी। जब सब लोग भाई इकट्ठा हुए तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा हाथ में एक छाता लेकर आया। सबने उससे पूछा, यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, बारिश हो नहीं रही, अपनी छाता लेके आयो। सबने कहा, आपको अपने गुरु पर क्या विश्वास नहीं है? मैं इसलिए छाता लेकर आया हूँ कि हमें विश्वास है गुरु हमारी प्रार्थना सुनेंगे, बारिश होगी, घर जाने में भीड़ में जाऊँ, इसलिए छाता लेकर आया हूँ। ऐसा ही विश्वास हमें, जड़ विश्वास अपने गुरु के प्रति प्रदर्शित करना है। हमने उनको गुरु माना है। आज के दिन को हम उल्लास पर्व के रूप में मनाते हैं। आप सभी यहाँ आए, बहुत अच्छा आज यहाँ प्रोग्राम एक नए रूप में यहाँ शुरू किया गया। बच्चों की प्रस्तुति हुई, बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद। आज मुरादाबाद के दिव्यलोक आश्रम में हमारे गुरुवर सुधांशु जी महाराज जी का 69वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसको हमने उल्लास पर्व के रूप में मना रहे हैं और गुरुवर का आदेश यही है हम लोगों के लिए कि समाज से जुड़ें, नारी अभ्युदय पर कार्य करें, परिवार जोड़ों पर कार्य करें और वृद्ध लोगों के लिए क्लब बनाएं, सिटीज़न का ओल्ड सिटीज़न, ओल्ड एज होम टाइप का, जिसमें हम वृद्ध लोगों की सेवा कर सकें। बाल संरक्षण पर भी गुरुवर बहुत ध्यान दे रहे हैं और आज का दिन तो उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का नाम दिया है आज के दिन को, अपने जन्मदिन को, और इसी उद्देश्य को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। फिलहाल आज हम आश्रम में गुरुद्वारा का जन्मदिन उल्लास पर्व के रूप में मना रहे हैं। यहाँ पर आज सुबह 5 घंटे का ओम नमः शिवाय का जाप हुआ, गुरुवर के लिए दीर्घायु के लिए यज्ञ हुआ, उसके पश्चात भजन हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, साथ ही साथ गुरुवर की वाणी सबने सुनी, आशीर्वाद सुना। हमारे आचार्य जी यहाँ पे अजय कांत मिश्रा जी का भी प्रवचन हुआ। संदेश एक गुरुवर के शिष्य के नाते केवल इतना ही है कि हमें जीवन में निंदा और चुगली से बचना चाहिए, एक दूसरे के लिए हम प्रेम रखें, क्योंकि जीवन बहुत संक्षिप्त है, पता नहीं कब किसकी सांस की डोर खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पर आपस में भाईचारा, सहयोग सब बनाए रखें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।